ओम शांति। सपने में रात को आयो मुरली बालो री, मेरे दिल में बस गयो श्याम जपू में माला री। तो हम सभी गोपिकाएं किसके दीवाने हैं? शिव बाबा के दीवाने हैं, मुरली वाले के दीवाने हैं। तो शास्त्रों में दिखाते हैं कि जब मुरली बजती थी तो गोपिकाएं दौड़ी चली आती थी। तो वास्तव में वो बात किस समय की है? कोई काठ की मुरली नहीं थी, ज्ञान की मुरली। काठ की मुरली बजाते थे और दौड़ी चली आती थी। तो वास्तव में ज्ञान की मुरली है। जब मुरली बजती है तो गोपिकाएं दौड़ी चली आती हैं। कहा कि किसी के कान में कुंडल, माने उल्टे सीधे श्रृंगार करती थी और मुरली की धुन सुन करके चली आती थी दौड़ के। किसी के कान में कुंडल बुला के, नाक में कुंडल बुला के कानों में, थोड़ी पर लगाई ली टिकुलिया रे, श्याम ऐसी बजाए दई बसुरिया रे, माना ऐसे उल्टे सीधे श्रृंगार करती थी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। जब मुरली का समय होता है तो आपने भी एकाद को देखा होगा कि कोई साड़ी की फाल नीचे की ऊपर आ जाती है, कुछ नहीं तो कपड़े ही उल्टे पहने चले आते हैं, क्योंकि उन्हें होश ही नहीं रहता है, शुद्ध बुद्ध खो जाती है कि जल्दी से हम क्लास में पहुंच जाएं मुरली सुनने के लिए। तो एक दिन हम बैठे थे गद्दी पर और योग करा रहे थे चिकोहाबाद में, तो देखा कि एक माता जी आई और उनकी बिंदी यहाँ पर लगी थी। तो देखा तो वो बात याद आ गई कि वास्तव में वो गायन किसका है, कब का है, तो वो इस समय का गायन है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि वो महारास चल रहा है, भगवान इस धरती पर आया हुआ है और हम रास कर रहे हैं। तो अपने भाग्य के हमेशा क्या करो, गीत गाते रहो। मैं कितनी भाग्यशाली हूँ, मुझे कौन पढ़ाता है, मुझे स्वयं भगवान पढ़ाता है। दैवी दुनिया की स्थापना हो रही है और हमारा भाग्य है कि हम उसमें सहयोगी बने हैं। हम कौन हैं? सच्ची सच्ची गोपिकाएं, उस मुरलीधर के दीवाने। तो अपने भाग्य के हमेशा गीत गाते रहो।